हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटर 85। जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों के कमेंट आ रहे थे कि हम जैसे बिंग ऐप या वेबसाइट के अंदर साइन इन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा एरर शो हो जाता है। ये एरर क्यों आता है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसी पे आज का वीडियो होने वाला है। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे यूट्यूब पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में बिंग ऐप को ओपन कर लेना है और ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपने अभी अभी इंस्टॉल किया तो इसकी परमिशन अलो मांगेगा, तो आपको इसको परमिशन को अलो कर देना और उसके बाद गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक कर देने के बाद इसके होम स्क्रीन को जैसे इंटरफेस है, जैसे कि हमें साइन इन करना है तो आपको ऐप्स पर क्लिक करना है और ऐप्स पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल वाला आइकन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो टॉप टू साइन इन आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, उस पर क्लिक कर दें। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के सामने साइन इन दिखाई दे रहा हो, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस है। आपको क्रिएट वन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपनी एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मैं अपनी मोबाइल में से एक कोई भी ईमेल एड्रेस को यहाँ पे डाल देता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही एरर आपके मोबाइल में भी शो हो रहा होगा। इसको ठीक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको नीचे मोबाइल वाला स्टार्टर दिखाई दे रहा है उस पर आप मोबाइल में डाल सकते हो, या फिर यहाँ से बैक आ जाना। ये देखिए यहाँ क्रिएट वन वाला ये पेज है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल देना है। डालने बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी पहले पासवर्ड बनाए थे वो वाले पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आपको नीचे दिख रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड, इस पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो, यानी कि नए ईमेल आईडी पे पासवर्ड मंगवा सकते हो और उनसे स्टार्ट कर सकते हो। इतना कर देने के बाद आपके सामने कुछ साइन इन वाला ऑप्शन आ चुका होगा, तो आप उस पर साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हो आप सफलतापूर्वक इसके अंदर एंटर हो चुके हैं, आपके आईडी बन चुके हैं और इसके सामने देखिए साइन इन ऑप्शन भी आ चुका है। तो इसी प्रकार आप आईडी बना सकते हो। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी अपने इस एरर को ठीक कर सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे।